आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे यस ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स। यस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो लेक्चर्स थे हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे हम जो सीरीज स्टार्ट किए हैं वो डिस्कशन स्टार्ट किए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। जो भी ये डिस्कस कर रहे हैं यस ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपकी UPPGT केमिस्ट्री और GIC लेक्चरर केमिस्ट्री दोनों एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में आए हुए भी हैं, तो जो भी आप यस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं तो उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। GIC लेक्चरर एग्जाम्स की जो डेट है 20 जून, उसमें आपके 80 क्वेश्चंस आएंगे केमिस्ट्री के, जिसमें यस ब्लॉक एलिमेंट्स आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ये आपके सारे एग्जाम्स के लिए कॉमन है, चाहे आप वो UGC ने जो भी एग्जाम्स दे रहे हैं किसी भी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज हम 97 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 97 क्वेश्चन में है, द केमिस्ट्री ऑफ लिथियम इज वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम इवन दो दे आर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, दिस इज बिकॉज। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि लिथियम एंड मैग्नीशियम हैव डिफरेंट ग्रुप बट दियर केमिस्ट्री आर सिमिलर। तो इसका रीजन्स है, द रेशियो ऑफ दियर चार्ज टू साइज इज नियरली सेम, इनका जो रेशियो है चार्ज का और साइज जो है वो क्या है, नियरली सेम है। नेक्स्ट है माइक्रोकॉस्मिक, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट कौन सा होता है, तो माइक्रोकॉस्मिक साल्ट का आप फार्मूला याद करेंगे NaNH4HPO4 4S2, तो ये फार्मूला होता है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से याद रखेंगे। 99 क्वेश्चन है, The salt used for performing bed test in qualitative inorganic analysis। जो भी हम inorganic analysis में qualitative test करते हैं salt का, तो कौन सा salt यूज करते हैं, तो FeSO4 NH42SO4 6S2, यानी ऑप्शन सेकेंड इज, ऑप्शन थर्ड इज राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन थर्ड होगा इसमें राइट। नेक्स्ट डिस्कस 100 है, दी आइडेंटिफाई दी करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा, तो स्टेटमेंट ऑप्शन डी देखेंगे, एलिमेंट सोडियम इज इजली ऑक्सीडाइज, सोडियम इतना जल्दी ऑक्सीडाइज होता है इसीलिए इसको क्या किया जाता है, अंडर कैटर क्या किया जाता है, आपको स्टोर किया जाता है कैरोसिनाइल में। 101 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दी फॉलोइंग डज नॉट पार्टिसिपेट इन दी साल्वे प्रोसेस फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ Na2CO3। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सोडियम कार्बोनेट का जो हम करते हैं मैन्युफैक्चर किस प्रोसेस से करते हैं, तो साल्वे प्रोसेस से, तो उसे पूछा है कौन सा नहीं पार्टिसिपेट करता, तो H2SO4 नहीं पार्टिसिपेट करता है इसकी इसमें। 102 क्वेश्चन है, इन दी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl विथ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड H2 इज लिबरेटेड एट कैथोड व्हाइल विथ HG कैथोड सोडियम एमलगम इज फॉर्म, द रीजन फॉर दिस इज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, मोर वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस H+ एट HG देन एट प्लेटिनम। 103 क्वेश्चन है, व्हेन K2O इज एडेड टू वाटर द सॉल्यूशन इज बेसिक बिकॉज दे कंटेन्स ए सिग्निफिकेंट कंसंट्रेशन ऑफ OH-, ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। और नीचे रिएक्शंस दी गई है, पूछा है कि क्या बनेगा, KO2+CO, इससे आपको कौन सी गैस मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी यानी O2S। 105 क्वेश्चन है, KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज डी ऑक्सीजन सिलेंडर, तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूज वेयर, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड का यूज आप कहाँ करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स में करते हैं, इन स्पेस एंड सब मैराइंस बिकॉज इट, क्योंकि रीजन्स क्या हो सकता है, बिकॉज इट ऑप्शन इज राइट आंसर, इलिमिनेट्स मॉइस्चर। 106 क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ मेटल इज 1s2 2s2 2p6 3s1, द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड Ob, तो फार्मूला इस ऑक्साइड का क्या होगा, M2O, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन गन पाउडर, गन पाउडर में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, तो आपका क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। 108 क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ Na+ आयन इन ह्यूमन सिस्टम काज, जब भी सोडियम प्लस Na+ की अधिकता हो जाती है शरीर में तो क्या बनता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके शरीर में NaCl सोडियम ज़्यादा हो गया तो आप नमक क्या करिए, कम लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है एक्सेस ऑफ सोडियम। 109 क्वेश्चन है, इन सर्टेन मैटर्स लिथियम डिफर फ्रॉम अदर एल्कली मेटल्स, द मेन रीजन फॉर दिस,
जो लिथियम है वो डिफर से अलग मटेरियल से, ऐसा इसलिए है क्योंकि लिथियम स्मॉल साइज ऑफ लिथियम एटम एंड लिथियम आयन और लिथियम एटम्स की साइज स्मॉल होने की वजह से। 110 क्वेश्चन है, द पैरामैग्नेटिक स्पीसीज इज KO2, KO2 इज पैरामैग्नेटिक। 111 क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑल मेटल्स हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड हेंस दे बिहेव एज, जो भी मेटल्स हैं उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, हाई है, तो कैसा बिहेव करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे बिहेव करेंगे। 112 क्वेश्चन है, ऑन डिजॉल्विंग मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल इन लिक्विड NH3 एट लो टेम्परेचर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर्स, यानी जब भी आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ सोडियम मेटल्स को लिक्विड NH3 के साथ एट लो टेम्परेचर पर डिजॉल्व करते हैं तो क्या नहीं होता है, ब्लू कलर सोल्यूशन इज ऑब्टेंड, हाँ ये राइट ऑप्शन है, ऐसा होता है। एनए आयंस आर फॉर्म्ड इन द सोल्यूशन, ये भी राइट ऑप्शन है। लिक्विड NH3 सोल्यूशन बिकम्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी होता है। लेकिन जो ऑप्शन डी है, लिक्विड NH3 सोल्यूशन रिमेन्स डायामैग्नेटिक, ये ऑप्शन क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। 113 क्वेश्चन है, हाउ डज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स वेरी, तो जो भी एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी की जब आप डिफिनीशन पढ़ते हैं तो इसमें बताते हैं कि दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए आइसोलेटेड गैसेस एटम्स, किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी वही उसका क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी होगा। तो अगर एटम्स की साइज छोटा है तो न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड है तो क्या होगा, वहाँ से मोर एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी। तो जैसे जैसे आपकी साइज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है वैसे वैसे न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन टाइटली उतना कम बाउंड हो जाता है, तो इसीलिए डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। नेक्स्ट है 114, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज मैक्सिमम इन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम किसके में सबसे ज़्यादा होगा, तो सीजियम प्लस इज मोर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सीजियम प्लस। 115 है, NaO इज प्रीपेयर्ड बाय द मेथड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन आप कैसे करते हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन यहाँ से याद करेंगे, कैस्टनर केलनर सेल से आप यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन के लिए। 116 क्वेश्चन है, व्हेन वॉशिंग सोडा इज हीटेड, वॉशिंग सोडा जब भी सोडियम बाइकार्बोनेट्स को आप हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को आप हीट करते हैं वॉशिंग सोडा को, तो वाटर वेपर इज रिलीज्ड, वाटर वेपर रिलीज होता है। 117 क्वेश्चन है, इन द कैस्टनर प्रोसेस ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्शन NaCl यूज एज ए इलेक्ट्रोलाइट, बताना है कौन सा क्या होगा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो सोडियम रिड्यूसेस CO2 टू कार्बन, सोडियम रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन्स, तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहाँ हम 117 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा यस ब्लॉक एल्कली मेटल्स का जो चैप्टर से वो कंप्लीट होगा, उसके बाद आने वाले समय में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के लेक्चर डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को एक बार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इम्पॉर्टेंट सूचना, अगर आप जिस भी टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।